स्वागत है प्रैक्टिस सेट नंबर पंद्रह में और उम्मीद है कि आप रोज़ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते होंगे अपने से भी और उम्मीद है कि आप जिस स्पीड से तैयारी कर रहे थे उसी स्पीड से अभी भी तैयारी कर रहे होंगे ठीक है आप कमर कस के तैयार रहिए समझ रहे हैं ये जो आपका युद्ध है ये सिर्फ टला है रद्द नहीं हुआ है समझिएगा आपको लड़ाई लड़नी है और जीतनी भी है लेकिन उसके पहले अगर भरपूर प्रैक्टिस रहेगी तभी आप जीत पाएंगे पहला यहाँ पर जो आपके सामने आपका दुश्मन है वो ये है कि ही इज़ इन डिफरेंट डैश प्रेज़ एंड ब्लेम इसमें से कौन सा आपको ऑप्शन सही बताना है मतलब कि इस दुश्मन के लिए इन चार गोला बारूद में से कौन सा गोला बारूद दागेंगे जिससे कि ये ख़त्म हो जाएगा ऐसे समझना है तो यहाँ पर अगर आप टू लगा देते हैं टू वाला गोला बारूद जो है दागते हैं तो ये सामने वाला दुश्मन ध्वस्त हो जाएगा हिज इन डिफरेंट के बाद टू का प्रयोग करते हैं इन डिफरेंट के बाद टू का प्रयोग करते हैं फ्रेज प्रेज एंड ब्लेम प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा और ब्लेम का मतलब होता है दोष लगाना दोष और इन डिफरेंट का मतलब होता है उदासीन वह प्रशंसा और दोष के प्रति उदासीन है हिज इन डिफरेंट टू प्रेज एंड ब्लेम तैयारी इतनी जबरदस्त कीजिए ना कि परीक्षा से आपको डर लगना बिल्कुल खत्म हो जाए आगे बढ़ते हैं अगला सर है यहां पर सेलेक्ट वर्ड सिमिलर इन मीनिंग मतलब सिमिलर वर्ड का बात है तो ये समझिए कि ये साइनोनिम की बात कर रहा है कैंडीड लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है अस्पष्टवादी यानी कि अगर बात करेंगे इसके साइनोनिम की तो क्या हो जाएगा इसका साइन में जाएगा ऑनेस्ट ऑप्शन नंबर ए ऑनेस्ट मतलब ईमानदार या कि फिर स्पष्ट या कि फिर खरा जिसको स्पष्टवादी भी कहते हैं सर बाकी के ऑप्शन भी समझा दीजिए ना सर ठीक है भाई देखिए बी वाला जो है ग्रीडी लिखा है ग्रेडी का मतलब लालची डिसऑनेस्ट का मतलब बेईमान ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार होता है ना तो उसका उल्टा है डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान और अगला है सीक्रेटिव जिसका मतलब होता है गुप्त या कि फिर एकांत प्रिय जिसको एकांत प्रिय मतलब जिसको एकांत प्रिय हो अगला है इसका भी आपको सिमिलर बताना है मतलब कि सैनोनिक बताना है लिखा हुआ है प्रीचर जिसका मतलब होता है उपदेशक यानी कि प्रचारक खास करके विशेष रूप से धर्म का जो प्रचारक होते हैं धर्म के जो प्रचारक होते हैं जो उपदेशक होते हैं इसका ऑप्शन क्या सही हो सकता है आपके सामने ऑप्शन हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवेंजलिस्ट ठीक है इसका मतलब भी होता है प्रचारक या उपदेशक बाकी के ऑप्शन समझ लीजिए अथियस्ट लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है नास्तिक ये वन वर्ड में पूछा जाता है और अगला है एग्नोस्टिक एग्नोस्टिक जिसका मतलब होता है अज्ञेयवादी और अगला है पागन पीगन इसको पढ़ते हैं पीगन का मतलब होता है विश्व धर्मों के अलावा अन्य धर्मों को मानने वाला ठीक है अगला बढ़ते हैं अगला देखिए अपोजिट बताना है अपोजिट का मतलब होता है एंटोनिम ठीक है देखिए यहां पर है अपोजिट इसका मतलब होता है एंटोनिम मेरे मुंह में थोड़े से छाले पड़ गए हैं इसकी वजह से थोड़ा सा दर्द हो रहा है बोलने में अगला है दि, लिखा ना डिबाइकल डिबाइकल का मतलब क्या होता है सर डिकल का मतलब होता है पराजय समझ रहे हैं ना पराजय मतलब हार तो इसका उल्टा क्या होगा सक्सेस होगा ना देखिए कितना आसान लग रहा है और यही पूछा जाता है आपको ये नहीं कि बहुत अलग से कोई नया वर्ड आपको लिए दिया जाता है यही सब आते हैं एग्जाम में ठीक है डिबेकल का मतलब पराजय ये कई बार हम डिबेकल आपको बता चुके हैं कई बार एग्जाम में भी आया हुआ है अगला आप ऑप्शन समझ लीजिएगा रिस्पॉन्स का मतलब होता है प्रतिक्रिया एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है स्वीकृति और एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है सहमति ठीक है आगे बढ़ लें अगर अगला देखिए जो है ये भी अपोजिट ही बताना है सर यहाँ पर लिखा हुआ है कॉर्डियल यहाँ पर आर साइलेंट होगा कार्डियल का मतलब होता है क्या होता है हार्दिक यानी कि मित्रता पूर्वक हार्दिक पूर्वक सौहार्दपूर्ण ठीक है तो मित्रता पूर्वक कार्डियल तो इसका उल्टा क्या होगा इसका उल्टा जो है देखिए हॉस्टाइल होगा ये कई बार हम आपको बता चुके हैं बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है हॉस्टाइल ठीक है ये जो शब्द है ना ये सब आप नोट कर लिया करिए ना बहुत मजा आएगा नोट कर लेंगे तो ये सब एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड हैं आपको हाई लेवल की इंग्लिश में ही दिखेगा लेवल बहुत ही बढ़िया चल रहा है इस समय तो कॉर्डियल का उल्टा होता है मित्रतापूर्वक कॉर्डियल uh, मत मित्रता मतलब मित्रतापूर्वक और हॉस्टाइल मतलब शत्रुतापूर्वक ठीक है बाकी के ऑप्शन देखिए फास्ट का मतलब होता है आपको पता है ये तेज़ होता है और फास्ट का मतलब उपवास भी होता है अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग प्रयोग होता है ठीक है बाकी हर्ट हर्ट फेल्ट का आपको मतलब पता है ये हर्ट फेल्ट और अगला है फ्रेंडली फ्रेंडली का भी मतलब आपको मालूम है ठीक है फ्रेंडली का मतलब वही फ्रेंडली मतलब फ्रेंडली एडियम और फ्रेज आपके सामने है छोटा सा फ्रेज है बहुत ही महत्वपूर्ण है बताइए इसका मतलब क्या हो सकता है ठीक है ड्रेकोनियन ला लिखा हुआ है ड्रेकोनियन लाल का मतलब क्या होता है ड्रेकोनियन ला तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर एक्सट्रीमली सेवियर ला एक्सट्रीमली सेवियर ला देखिए इसका मतलब होता है अत्यंत सख्त कानून अत्यंत सख्त कानून जैसे धारा एक जब लग जाता है या राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो राज्य में अत्यंत सख्त कानून हो जाते हैं ठीक है वो जो राज्य का जहाँ पर लगता है जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है या तो वहाँ पर जो पकड़ होता है जो वहाँ के शासन होते हैं वो केंद्र के हाथ में चला जाता है राज्य का वहाँ पर मालिक नहीं होता है तो वहां पर जो नियम होते हैं क्या होते हैं कड़क हो जाते हैं तो उसी को बोलते हैं अत्यंत शक्त कानून डेक्रोनियन ला ला मतलब आपको पता है कि कानून होता है डेक्रोनियन का मतलब शक्त यानि गंभीर ला गंभीर कानून शक्त कानून फाइंड द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड इन चार वर्डों में से आपको सही वर्ड का पता करना है तो ऑप्शन नंबर यहां पर बी है लिखा हुआ है पेरी फेरल पी ई आर आई पी एच ई आर ए L पेरिफेरल का मतलब होता है परिधि यानी किसी चीज़ के किनारे का या किसी की परिधि से संबंधित परिधि होता है ना परिधि आपने पढ़ा होगा मैथ में तो वही परिधि या कि फिर किसी चीज़ के किनारों से संबंधित चीज़ परिधि किनारे में ही होता है ना ऑप्शन नंबर बी इसकी स्पेलिंग याद रखिएगा अगला देखिए आपके सामने है एक्सप्रेसिस द सेम सेंटेंस इन पैसिव या एक्टिव वॉइस में आपको बताना है यहाँ पर ठीक है लिखा हुआ है कि आई वॉट हर अ कंप्यूटर तो देखिए बाट ये मेन व हो गया इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है इस को पकड़ के इसका काम लाइंग्वेज सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं पैसि बनाते समय तो हर के uh, uh, बाद अ कंप्यूटर दोनों चीज़ें हर से भी बना सकते हैं कंप्यूटर से भी बना सकते हैं तो यहाँ पर अ कंप्यूटर से आप सभी देख सकते हैं कि सभी ऑप्शन में बनाया हुआ है तो अ कंप्यूटर से ही लेकर के चलेंगे अ कंप्यूटर अ कंप्यूटर चूंकि ये सेकेंड फॉर्म है बाट तो यहाँ पर वाज आएगा वाज बॉट फॉर हर फॉर हर बाई मी आई को कर दिया मी में ठीक है और बाई यहाँ पर हर को जस का तस रखेंगे अ कंप्यूटर वाज बॉट फॉर हर बाई मी ऑप्शन नंबर ए सही है ठीक है और बाकी के ऑप्शन जो हैं कि गलत हैं चूंकि यहाँ पर बॉट ही दे दिया है वॉज नहीं दिया हुआ है और वॉज बाई कर दिया है पैसी में आपको पता है कि थर्ड फॉर्म लगता है यहाँ पर बींग लगा दिया है फालतू का तो बाकी के सभी ऑप्शन गलत हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही है उम्मीद है कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए अगला है सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से लिखा हुआ है कि द बेगर द बेगर मतलब क्या होता है भिखारी होता है सेट टू मी भिखारी ने मुझसे कहा प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट कृपया मुझे कुछ खाने को दीजिए तो अब देखिए यहाँ पर इसको जब पैसिव बस बनाएंगे तो ये क्या है ये इम्प्रेटिव सेंटेंस है मतलब आज्ञा सूचक जो सेंटेंस होता है तो इसमें क्या करते हैं कि जो सेट टू होता है ना इसको अगर वाक्य में रिक्वेस्ट का भाव रहता है तो रिक्वेस्ट ऑर्डर का भावता रहता, तो भाव रहता है यहाँ पर प्लीज़ शब्द तो जुड़ा हुआ है तो ऑलरेडी रिक्वेस्ट की बात है चूँकि बेकर भिखारी है तो रिक्वेस्ट ही करेगा धमकी तो देगा नहीं तो सेंटेंस की शुरुआत रिक्वेस्टेड से करेंगे जब मतलब कॉमेन की जगह रिक्वेस्टेड लगाएंगे द बेगर रिक्वेस्टेड ठीक है मी टू गिव हिम द बेगर रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम समथिंग टू इट ठीक है तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा द बेगर रिक्वेस्ट सॉरी ऑप्शन यहां पर सी गलत है रिक्वेस्ट नहीं होगा रिक्वेस्टेड होगा क्या होगा रिक्वेस्टेड होगा और ऑप्शन ए सही होगा द बेगर रिक्वेस्टेड मी टू का कामिटी टू गिव हिम समथिंग टू एट ठीक है गिव हिम समथिंग टू एट द बेगर रिक्वेस्टेड मी टू हैव ये गलत है दूसरा गलत ही था तीसरा द बेगर रिक्वेस्ट ये भी रिक्वेस्ट नहीं होगा तो यहां पर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी सही है ठीक है सॉरी ऑप्शन ए सही है द बेगर रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम समथिंग टू इट ऑप्शन नंबर ए इज राइट हियर और आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं माई ब्रदर फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू पास अवे द टाइम एट आवर फो ग्रैंड पेरेंट्स हाउस ठीक है माई ब्रदर फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट इस यहाँ पर किस पार्ट मिरर है सिंपल सी बात है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा दूसरे पार्ट मिरर है सर ईर क्या है देखिए माई ब्रदर फाइंड्स इट डिफिकल्ट यहां तक तो सही है टू पास अवे ग्रैंड देखिए ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर समय व्यतीत करने की बात हो रही है लेकिन जब भी पास के साथ एक अवे का प्रयोग करते हैं एक साथ तो ये एक फ्रेज बन जाता है और इसका मतलब होता है किसी की मृत्यु हो जाना किसी का डेथ हो जाना आपने सुना होगा कि जब किसी के घर कोई मर जाता है तो लोग बात करते हैं कि somebody passed पास in इन माई फैमिली या somebody पास away इन माई uh, relatives। तो पास अवे का मतलब होता है मर जाना टू डाई लेकिन यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट के हाउस पर समय व्यतीत करने की बात हो रही है समझ रहे हैं तो यहाँ पर अवे हटा देंगे ठीक है तो सिंपली सेंटेंस हो जाएगा टू पास द टाइम इट इट माई ब्रदर फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू पास द टाइम एट आवर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस ठीक है समझ में आया तो याद रखेंगे पास अवे का मतलब होता है मर जाना अगर मरने या ऐसा कोई सेंस रहता तो यहाँ पर पास अवे का प्रयोग होता लेकिन यहाँ पर पास अवे का प्रयोग गलत है आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं इस प्रकार के क्विज़ वहाँ पर बिल्कुल फ्री में सॉल्व करिएगा द सुधीर पांडे सर्च करके मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम